माउंट एवरेस्ट, हिमालय जैसी ऊंचाइयों का नाम सुनते ही लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसने ऐसी ऊंचाइयों को अपने पैरों तले नाप चुका है और पूरे विश्व में माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर के ही निवासी अंकित सेन की, जिसने विश्व की कई बड़ी बड़ी खतरनाक ऊंचाइयों पर भारत का झंडा लहराया है और पूरे देश का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के मंझौली क्षेत्र में रहने वाले अंकित सेन की, जो आज के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। इस मुकाम को हासिल कर लेने के बाद आज अंकित करीब 150 बच्चों को माउंटेनिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही जिस MPPSC की परीक्षा के सवाल लोग पढ़ नहीं पाते हैं, आज अंकित खुद उस परीक्षा का एक सवाल बने हुए हैं। जी हाँ, MPPSC के पेपर में एक सवाल आया था जिसमें माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करता है। इस सवाल में साफ तौर पर अंकित की ही बात की जा रही थी। लोगों के सवालों से उठकर माउंटेनिंग को अपना करियर बनाने से लेकर आज खुद किसी परीक्षा का सवाल बनना, आइए अंकित से जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत कैसे की थी। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर मंझौली के पास ग्राम पड़रिया मेरा गांव है, और मैं गांव से जबलपुर आया 2014 में। मैंने यहां के NCC ज्वाइन करी और मुझे NCC से माउंटेनिंग करने का मौका मिला। NCC में बेसिक कोर्स का एक कैंप आया था जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में कैंप लगा हुआ था, और उस कैंप को करने के लिए लगभग 1200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उन ऑल ओवर बच्चों में हर जिले से हर यूनिट से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जबलपुर 1MP बटालियन घंटाघर से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पहुँचा दार्जिलिंग, और मैंने वहाँ बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, पर मुझे एडवेंचर लाइन में ही कुछ अच्छा करना था। और मैं शुरू से पढ़ता था किताबों में कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो मेरा सपना रहा है कि मैं ऐसा कुछ करूं और मैं माउंट एवरेस्ट में जाऊं। मुझे ये लाइन मिली NCC से, और फिर मैं कंटिन्यू 2016 से माउंटेनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। अंकित ने NCC से की थी अपने सफर की शुरुआत, और आज अंकित विश्व की कई बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर, हजारों मीटर की ऊंचाइयों पर देश का झंडा फहरा रहे हैं और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। अंकित ने भारतीय सरजमी के सारे शिखरों को तो छुआ ही है, इसके अलावा उन्होंने अफ्रीका, यूरोप जैसे महाद्वीपों के भी सबसे ऊंचे शिखरों पर भारतीय झंडे का नाम रोशन किया है, जहां पर करीब हजारों मीटर की ऊंचाइयों पर उन्होंने अपने देश का झंडा फहराया है। 2017 NCC ऑल इंडिया एक्सपीडिशन माउंट जोगिन के लिए सिलेक्शन किया गया, और MPCG से हम 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें DGNCC की तरफ से 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और हम लोग 2017 में सितंबर में माउंट जोगिन 6116 मीटर के लिए इस एक्सपीडिशन के लिए हम गए, और 21 सितंबर को हमने माउंट जोगिन में जाके अपने NCC का और भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। कहाँ कहाँ गए हैं? मैंने बेसिक कोर्स हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से किया है, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स भी मैंने दार्जिलिंग इंस्टीट्यूट से किया है, मैंने रॉक क्लाइंबिंग कोर्स स्वामी विवेकानंद माउंटेन इंस्टीट्यूट माउंट आबू से किया है, इसके बाद मैंने बिरगू लेक हिमाचल प्रदेश में, माउंट यूनाम 6111 मीटर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में केदार कांता, ऐसी लगभग 12 से 13 छोटे छोटे माउंटेन्स को मैंने सबमिट किया है। अभी हाल ही में 2023 में 26 जनवरी को मैं अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट किलिमंजारो में जाके भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। 15 अगस्त को यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रूस में जाके मैंने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सफलताओं को छू लेने से पहले हर सफल इंसान को कहीं न कहीं कठिनाइयों से होकर तो गुजरना ही पड़ता है। इसी प्रकार अंकित ने भी इस सफलता के शिखर को छूने से पहले कई कठिनाइयों का सामना किया। मैं बहुत ही छोटी फैमिली से हूँ, मेरे पापा मजदूर हैं और उनकी जो मासिक आय है लगभग 6000 है। मैं छोटे से गांव से हूं, पर मेरा जज्बा, मेरा जुनून बहुत बड़ा था, मेरे सपने बड़े थे, तो मैंने हार नहीं मानी और मैं लोगों के पास गया। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि हम लोगों का 6-6 घंटे वेट किए हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, पर मुझे कुछ करने का जज्बा था कि मुझे कुछ करना है। और फिर बाद में ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने सोचा समझा कि हाँ, ये जबलपुर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, और उन सब ने मिलकर मेरी मदद करी और फिर मैं आज यहाँ तक पहुँचा। इस शिखर को छू लेने के बाद आज अंकित करीब 120 बच्चों को निशुल्क माउंटेनिंग की ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल, मैं जब
माउंटेनिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ा और 2016 से लोग मुझे जानने लगे। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा कि सर हम भी माउंटेनिंग करना चाहते हैं, एडवेंचर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, साथ में ऐसे छोटे छोटे कैंपों में बच्चों को ले जाने लगा। आज लगभग मेरे पास 120 बच्चे हैं, उनमें से 40 बच्चे ऐसे जो प्रोफेशनली रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनिंग कोर्स करते हैं। अभी हमारे 2-3 छोटे छोटे बैच लगे हुए थे, जैसे हम जबलपुर के आसपास ही बरगी डैम में, बरगी डैम के पास, फिर नाहन देवी के पास, पायली के पास या पचमणी के पास हम लोग अपने लोकल ट्रैक्स लगाते हैं, यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद फिर हम उनको नेशनल कैंप हिमाचल, बिरगू लेक, करेली लेक, इन सब में वहाँ ले जाकर उनको माउंटेनिंग की ट्रेनिंग देते हैं। इतनी ऊंचाइयों को छू लेने के बाद भी अंकित का आज भी विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर देश का झंडा लहराने का यह सपना है। जबलपुर का यह लड़का, मध्य प्रदेश का यह लड़का, भारत का यह लड़का विदेशों में जाकर वहां के सबसे ऊंचे शिखरों पर देश का झंडा फहराकर देश का नाम लगातार रोशन कर रहा है। और इसी कड़ी में इसे पूरे देश में एक नाम मिला है जिसके नाम से पूरे देश में अंकित जाना जाता है, लोग इसे माउंटेन मैन अंकित के नाम से जानते हैं। मेरा सपना है कि मैं विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर जाके भारत देश का राष्ट्रध्वज फहराऊं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सातों महाद्वीप में, तो विश्व के 7 महाद्वीप में, वहां भी पहुंच के अपने भारत देश का राष्ट्रध्वज फहराऊं। 2 महाद्वीप मैंने सक्सेसफुली सबमिट किए हैं, तीसरे महाद्वीप की मैं तैयारी कर रहा हूं, और इस साल 2024 में मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में जाके भारत देश का राष्ट्रध्वज लहराऊंगा आप सबके आशीर्वाद से।